यूपी के दंगल में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी कूद चुकी है। उनके नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस जंग को जीतने में जुटे हैं। मुकेश सहनी भी लगातार अपने समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके कार्यकर्ता जीत का दम भर रहे हैं। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी कुछ बड़ा जरूर करेगी। लेकिन बड़ी बात है कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार हाथ आजमाने जा रहे हैं। निषाद समाज को आरक्षण के मुद्दे पर लड़ रही वीआईपी पार्टी के सामने कई और बड़े बड़े दिग्गज होंगे जिसका सामना उन्हें करना है। बिहार में मुकेश सहनी भाजपा के साथ है, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ। उनका मानना है कि जो हमारे समाज और गरीबों की सुनेगा, हम उनकी सुनेंगे। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा कुंभ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। यहाँ बड़ी पार्टियों के अलावे सैकड़ों छोटी छोटी पार्टियां हैं। उनके जनाधार भले ही कम हो, लेकिन किसी की जीत और हार सुनिश्चित करने में वे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को भी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ता है। ऐसे में वीआईपी पार्टी की चुनौती और बढ़ जाती है। अपने पाले में वोट को करने के लिए बड़े से लेकर छोटी पार्टियों से भिड़ना पड़ेगा। हालांकि उनके समर्थक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका साफ कहना है कि हम अपने समाज और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम अपने पूरे दमखम से उसे जीतेंगे। जाहिर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। पार्टी दफ्तरों में टिकट की उम्मीद में लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। वीआईपी इसी उद्देश्य से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश में निषाद जाति के लिए आरक्षण लागू किया जाए। पूर्वांचल के 165 सीटों पर वीआईपी पार्टी की ताकत का अंदाजा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि मुकेश सहनी के लिए यह जंग बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज जो आप यहाँ जमघट देख रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के आवास पर वो सारे प्रत्याशी लोग उत्तर प्रदेश आए हैं अपना टिकट मांगने के लिए, और उसी का जमघट है यहाँ। और बहुत मजबूती से हम लोग वीआईपी पार्टी 165 सीटों पर जो चिन्हित किए हैं उस सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक अच्छा खासा हम लोग जो है दावेदारी वहाँ पेश कर रहे हैं, और अच्छा बहुत सारे सीटों पर जीतेंगे भी और बहुत सारे सीटों पर हराएंगे। आप लोग बीजेपी से दुश्मनी कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? कितना फाइट कर सकते हैं वहाँ? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग बीजेपी से या किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। और रही बात कि कितना फाइट करेंगे, तो हम लोग 165 सीटों पर जो हमारी निषाद बाहुल्य सीटें हैं उन पर हम लोग जोर शोर से दमदारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और नुकसान किसका होगा ये तो 2022 का चुनाव जब कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा। मुझे हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो हमारे हक की बात करेगा हम उसका सहयोग करेंगे, जो नहीं करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। तो बिहार में तो आप लोग साथ में हैं बीजेपी के? हाँ, तो यहाँ गठबंधन के हम लोग हिस्सा हैं। हम लोग का गठबंधन उत्तर प्रदेश में थोड़े ही है, बिहार में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और इनके गठबंधन के हिस्से में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारा कोई समझौता किसी पार्टी से नहीं है, इसीलिए हम लोग 165 सीटों पर अपना चुनाव चिन्ह नाव के साथ अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी तमाम प्रथम द्वितीय चरण के कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है, तीसरे और चौथे चरण के कैंडिडेट की हम लोग सूची अभी थोड़ी देर में जारी करेंगे, जिसमें सभी लोग अपना चुनाव निशान नाव लेकर यहां से जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। आपका टिकट लेने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए लोगों में? जिन पार्टी जो समाज सभी पार्टियों में शैक्षिक योग्यता है, सामान्य योग्यता है, वैसे ही योग्यता है हमारे पार्टी में भी है। हाँ, एक चीज का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा हुआ है, किसी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को हम लोगों ने चुनाव में उसको कैंडिडेट अपना नहीं बनाया।